Merry Christmas! तो क्रिसमस है और क्रिसमस के ओकेजन पे मैं आपके लिए एक और रेसिपी लेकर आई हूँ रम बॉल्स के बाद रम बॉल्स भी ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखी है बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी है तो आज हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल क्रिसमस का रम केक प्लम केक दोनों ही तरीके से मैं आपको बताऊँगी अगर आप रम नहीं पीते हो तो आप रम केक को कैसे बनाओगे जो कि हम प्लम केक बोलते हैं उसको अगर आप उसके अंदर रम नहीं डालते हो बहुत ही यूनिक स्टाइल है इंस्टेंट बनेगा आपका रम केक अगर आपने मैरिनेशन नहीं किया है बट उसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी और हाँ ईयर ख़त्म हो रहा है तो लाइक कर दो शेयर कर दो और कमेंट भी करना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना तो चलिए फटाफट से देखते हैं हमारा क्रिसमस का यमी सा बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ क्रिसमस तो रम केक बनाने के लिए हमें चाहिए ये मैजिकल रम मैरिनेटेड कुछ बेरीज इसके अंदर हमने डाली है रेजेंस यानी कि किशमिश टूटी फ्रूटी क्रैनबेरीज और इसको कैसे बनाते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगी तो मैंने एक कप के करीब पानी डाला है और आधा कप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ब्राउन शुगर आप नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हो बट ब्राउन शुगर आपके कलर को और इन्हैंस करेगा अब हम इसको करेंगे बॉयल बॉयल करने के बाद आप कर दोगे गैस को बंद और उसके बाद हम ऐड करेंगे हमारी डार्क रम 60 एम मैंने इसके अंदर रम डाली है आप ज़्यादा भी डाल सकते हो बिकॉज हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में रम को डालेंगे ताकि जो हमारा रम केक बन रहा है वो एग्जैक्टली ट्रेडिशनल स्टाइल बने और उसमें प्रॉपर रम का फ्लेवर आए फ्रेंड्स ये जो रेसिपी है ये इंस्टेंट रम केक की रेसिपी है जब हमारे पास रम मैरिनेटेड ड्राई फ्रूट्स नहीं हैं हम भूल गए हैं या हमने किया नहीं है यूजुअली मैं एवरी ईयर क्रिसमस केक बनाती हूँ तो मैं हर साल एक लॉट रख देती हूँ फ्रिज के अंदर और वो एक साल में ख़राब भी नहीं होता और जब आप अगले साल उसका केक बनाते हो फ्रेंड्स बहुत ही डिलीशियस बनता है बट क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है या वो भूल गए हैं उनके लिए मैंने ये रेसिपी बनाई है तो जैसे कि आपने देखा था मैंने रम ऐड करी थी गैस को बंद कर दिया था और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हमारी बेरीज जिसमें मैंने इंक्लूड किया है क्रैनबेरीज मैंने एप्रिकॉट डाला है ड्राई एप्रिकॉट मैंने इसके अंदर टूटी फ्रूटी डाली है किशमिश डाली है आप मार्केट में मिक्स अवेलेबल आता है बेरीज़ का आप वो यूज़ कर सकते हो आपके पास कुछ नहीं है तो आप टूटी फ्रूटी और किशमिश भी ऐड कर सकते हो और फिर मैंने गैस ऑन किया और इसको अच्छे से बॉईल किया अब बॉईल करने के बाद ही मैं इसको ढक के रख दूँगी अब हम चलते हैं बनाते हैं केक उसके लिए मैंने लिया है हाफ कप रिफाइंड ऑयल और एक कप में मैंने डाली है इसके अंदर ब्राउन शुगर अगेन रिपीट कर रही हूँ अगर आप ब्राउन शुगर नहीं डाल सकते हो आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल पाउडर शुगर भी डाल सकते हो आप देसी खांड भी डाल सकते हो इसके अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है बट ब्राउन शुगर से कलर बहुत अच्छा आता है एंड ट्रेडिशनली भी हम क्रिसमस केक में ब्राउन शुगर ही ऐड करते हैं अब मैंने इसके अंदर डाला है अंडे चार एग्स में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अगर आप एग्स नहीं खाते हो तो आप इसकी जगह यानी कि दही भी ऐड कर सकते हो अच्छा मैरिनेशन करते समय मैंने आपको बताया आप रम डालो क्योंकि हम रम केक बना रहे हैं बट अगर आप रम नहीं पीते हो तो उसकी जगह आप ऐड कर सकते हो ऑरेंज जूस एग्जैक्ट प्लम केक बनेगा बहुत ही टेस्टी बनेगा तो रम का सब्सिट्यूट है हमारा ऑरेंज जूस अब इसके अंदर मैंने डाला था दालचीनी का पाउडर जयफल का पाउडर बाद वेनिला एसेंस बेकिंग पाउडर थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा मीठा सोडा एग्जैक्ट मेजरमेंट आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे उसमें आपको मिल जाएगी कि क्वांटिटी आपने कितनी लेनी है फ्लोर की यानी कि मैदे की कितनी आपने इसके अंदर शुगर डालनी है और कितने अदर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जैसे कि मैंने आपको बनाना केक में बताया था मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि बटर हम इसके अंदर बिना मेल्ट करे नॉर्मल टेम्परेचर का बटर ऐड करेंगे जब वो मेल्ट होता है बेक होते समय तो अलग ही फ्लेवर देता है सॉफ्टनेस देता है हमारे केक को अब मैंने इसके अंदर दो कप के करीब ऐड किया है मैदा और हम बाद में इसमें आटा भी डालेंगे तो अभी दो कप मैंने इसके अंदर मैदा डाला है अब आप इसको अच्छे से मिक्स करोगे फ्रेंड्स बहुत ही रिच केक बनता है डिलीशियस केक बनता है ये अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ कप आटा जो गेहूं का आटा हम यूज़ करते हैं वो और ये हमारा मैरिनेटेड जो हमारे बेरीज़ हैं किशमिश है, है और जो हमने डाले थे चॉप करके वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आप देख सकते हो कि गर्म ही है हम इंस्टेंट ही इसको बना रहे हैं बट आई सजेस्ट अगर आपके पास टाइम है तो आप वन डे के लिए एटलीस्ट इसको मैरिनेशन को रखो तो और भी फ्लेवर आपका इन्हांस होगा इसके अंदर मैंने कुछ डाले हैं चॉप वॉलट्स यानी कि अखरोट और बादाम ये आपको ध्यान में रखना है कि आप ड्राई फ्रूट्स मैरिनेट नहीं करोगे वो बहुत अच्छा फ्लेवर नहीं देता है हम सिर्फ किशमिश ही ऐड करते हैं या किशमिश से रिलेटेड जो हमारी बेरीज़ हैं वो ही हम रम में ऐड करते हैं और अब मैंने डाला है इसके अंदर अगेन 60 एम रम तो हमने टोटल 120 ट्वेंटी एम रम हम अपने रम केक में डाल चुके हैं और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड किया है दूध कंसिस्टेंसी आपको इसमें ध्यान में रखनी है बहुत ज़्यादा लिक्विड फ्लोई कंसिस्टेंसी हमें नहीं चाहिए ये क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी बेरीज और ड्राई फ्रूट्स डाले हैं तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सॉलिड ही रहती है तो इसलिए अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी हमारे बेकिंग ट्रे में आप बेकिंग ट्रे को पहले ग्रीस करोगे या पाँच मिनट पेपर या बटर पेपर भी लगा सकते हो और ऊपर से मैंने थोड़े से जो चॉप करे थे ड्राई फ्रूट्स जैसे कि अखरोट और आलमंड्स बादाम वो मैंने ऊपर से गार्निश किया है और हमारी जो मैरिनेटेड ड्रम में जो मैरिनेटेड थी बेरीज़ वो मैंने ऐड करी है तो फ्रेंड्स अब हम इसको करेंगे बेक जो बेक है मैंने माइक्रोवेव में बेक कर सकते हो आप अगर आपके पास कन्वेक्शन वाला है आप ओवन में बेक कर सकते हो नहीं तो आप गैस पर भी बिल्कुल स्लो आंच पर मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको दिखाया है कि हम गैस पर कुकीज़ और केक कैसे बना सकते हैं तो आप बनाओगे तो करीब 60 मिनट्स मैंने एक घंटा के करीब इसको बेक किया था 150 डिग्री सेल्सियस पे और अगर आपको गैस पे बनाना है तो आप बिल्कुल स्लो आंच पर एक घंटे में इसको बनाओगे और चेक करने के लिए हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है आप फोक इंसर्ट करोगे क्लीन निकलती है तो मतलब आपका केक बन गया है इम्पॉर्टेंट टिप है रम केक को सॉफ्ट बनाने का जैसे ही आप इसको बाहर निकालते हो चेक करते हो उसके बाद एक आप लोगे और उसे उसे कवर करके रख दोगे जब तक वो कम्प्लीटली ठंडा नहीं हो जाता तो अब हमारा ठंडा हो चुका है और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 30 एम एल ऑफ़ रम ये जो प्रोसेस है ये मैंने दो से तीन बार किया था डिपेंड करता है कि आपको कैसा फ्लेवर चाहिए अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आप चार बार भी रिपीट कर सकते हो आपको कम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आप एक या दो बार भी रिपीट कर सकते हो तो फ्रेंड्स ये हमारा रम केक तैयार है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक बुक जो है मेरा लेट कुक स्क्राम्शियस उस पर भी मैंने रेसिपीज डाली हैं वहाँ पर भी आप ज़रूर चेक करिए तो क्रिसमस और न्यू ईयर पे ये केक ज़रूर बनाइए Merry Christmas and Happy New Year!